नमस्कार, मैं नेहा सिंह एसएसटी फंडा के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बच्चों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि शार्क के बारे में। शार्क एक ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं देश के हित में या फिर सहयोग के लिए, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी इसी उद्देश्य से बनाई गई है। इसके बारे में सारी जानकारियाँ आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में दूंगी और ये जो इन्फॉर्मेशन है इनमें से कुछ भी आपको इसके बाहर नहीं मिलेगा, ये उम्मीद करती हूँ। जितनी भी इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन है या फिर बेसिक से लेके अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सारी कलेक्ट करी है कि मैं आपको स्पेसिफिक हर चीज के बारे में बता सकूं, जिससे आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं या होम एग्जाम्स हैं जहाँ पे इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम लोग क्लास में हैं या स्कूल में हैं या बाहर किसी कम्युनिटी में रहते हैं ना, तो एक ग्रुप बनाया जाता है जिससे किसी आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, तो आप देखते हैं ना कि एक ग्रुप बनाया जाता है जो उसकी देखरेख करते हैं, है ना। इसी तरीके से बड़े लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं जिनसे वो उन चीजों के बारे में सपोर्ट कर सकें, उनके बारे में आगे विकास कर सकें। तो इसी प्रकार एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम शार्क ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। चलिए इनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और इसके फैक्ट्स भी आपको बताती हूँ। इसके नाम को जानने से पहले हमें सबसे पहले जो इसका नेम है ना उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके नेम को समझेंगे तो काफी कुछ हमें इसके बारे में, इस एसोसिएशन के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसके नेम को ही डिफाइन कर लेते हैं। SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये इसका नेम है। इसको हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन 8 दिसंबर 1985 में ढाका में बनाई गई थी, या कह सकते हैं फर्स्ट जो इसका समिट था, चार्टर था, ये वहां पे तैयार हुआ था, वहां पे साइनिंग किया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस ऑर्गेनाइजेशन की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या बनाने के लिए सबसे पहले होता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या था, जरूरत क्यों पड़ी इसे बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए जरूरत पड़ी जब कुछ एशियाई, दक्षिण एशियाई, देखिए मैं बार बार आपको दक्षिण एशियाई वर्ड बोलूंगी, इट मीन की साउथ एशियन, हमारा एशिया है ना, कॉन्टिनेंट एशिया का जो साउदर्न पार्ट है जिसमें हम इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो देश हैं वो आते हैं, लगभग वही सारे देश इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग कि ये मेंबर, ये जो मेंबरशिप है या जो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया क्यों गया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का भी एक उद्देश्य था कि जो भी दक्षिण एशियाई देश हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट करें। देखिए पड़ोसी हैं ये सारे ही, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो छोटी मोटी बातों पे लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। लड़ाई झगड़े में आदमी एक दूसरे पे अटैक ना करे, वार ना करे, उससे अच्छा क्या होगा, उससे अच्छा होगा कि हम बैठ के बातचीत कर लें। जैसे हमारे आपके भी पड़ोसी होते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर छोटी मोटी बात पे कहीं कोई कहा सुनी होती है या कुछ लगता है कि सामने वाला सही नहीं कर रहा है या हमें कभी किसी से सहयोग की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। इसी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई, ये सोच के बनाया गया कि हमारे जो पड़ोसी पड़ोसी देश हैं ये एक दूसरे को सहयोग करेंगे बुरे वक्त में, और अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो सहयोग करेंगे, कभी किसी पे अटैक नहीं करेंगे, शांति से और अपनी प्रगति की तरफ बढ़ते रहेंगे। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि कुछ देश मिलकर कोई प्रगतिशील काम करना चाहते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी से संबंधित करना चाहते हैं, इकोनॉमी से संबंधित काम करना चाहते हैं, तो वो मिलके भी उस काम को कर सकते हैं। तो आई होप इनको, आपको इनके नेम का मतलब समझ में आ गया, आपको इसका बेसिक जो एम था, उद्देश्य था, वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं कि अब उद्देश्य हमने बना लिया, अब इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, इसको फॉर्मेशन में कैसे लाएंगे। तो ये जो आइडिया था ये सबसे पहले साउथ एशियन कंट्रीज के माइंड में आया और इसके लिए उन्होंने नवंबर 1980 में एक कंसल्टेशन करने के लिए एक मीटिंग बुलाई।
एक सेक्रेटरीट, जितने भी सेक्रेटरी थे उस टाइम के, उनकी एक मीटिंग बुलाई, और उस टाइम जो 7 कंट्रीज थी साउथ एशियन कंट्रीज, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। चलिए पहले देख लेते हैं वो कौन सी 7 कंट्रीज थी। तो आप मैप में देख सकते हैं वो 7 कंट्रीज हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। 1981 अप्रैल में ये 7 कंट्रीज कोलंबो श्रीलंका में मिली। इन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब हम एक चार्टर बनाते हैं, रूल रेगुलेशन, हम सब अग्री हैं इस बात के लिए कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इस तरीके की हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ये अग्री हो गए, इन्होंने आगे अपना काम बढ़ाया और 1981 में कोलंबो में जब इन्होंने मीटिंग करी तो इन्होंने चार्टर के लिए हामी भर दी सारे देशों ने। 8 दिसंबर 1985 के दिन ढाका, बांग्लादेश, जो कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका, वहाँ पर ये सारे जो देश हैं वो कम्युनिटीज हैं वहाँ पे मिले और उन्होंने इस चार्टर पे साइन किया। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि जो शार्क ऑर्गेनाइजेशन है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो इसका भी आंसर यही है 8 दिसंबर 1985 के दिन। इसके चार्टर पे साइन कब किया गया, ये भी आंसर यही है 8 दिसंबर 1985 के दिन इस पे साइन किया गया। इसके 13th एनुअल पे, हर साल लगभग 18 महीने के बाद इसकी मीटिंग समिट जो है वो रखी जाती है, तो हर साल होती है, और 13th एनुअल पे, 13वें एनुअल समिट पे 2005 में एक और देश इसमें ऐड हो गया, वो देश था अफगानिस्तान। तो अब टोटल इसमें कितने कंट्रीज ने मेंबरशिप ले ली है, 8 कंट्रीज ने, जिसमें से अभी भी जो एशियन कंट्रीज आप काउंट कर सकते हैं चाइना और म्यांमार, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, और लेकिन कह सकते हैं हमारी पड़ोसी देश भी हैं, लेकिन उन्होंने इस समिट में मेंबरशिप नहीं ली है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि इसका एस्टेब्लिशमेंट डे क्या है, अब इसको एक क्विकली देख लेते हैं क्या है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985 के दिन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है या सेक्रेटरीट का हेडक्वार्टर कहाँ है, नेपाल काठमांडू, जो काठमांडू उनका कैपिटल है नेपाल का, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। एसोसिएशन का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, सारे देशों में चलती है। कॉपरेशन विद द फ्रेमवर्क ऑफ शार्क शेल बी बेस्ड ऑन, एक फ्रेमवर्क बनाया उन्होंने, कहते हैं ना मोटा मोटा चीज है कि हमको किस चीज पे काम करना है, तो वो थी सोवर्जन इक्वालिटी, सारे देश जो है वो धर्म के अनुसार बराबर है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक नाम जो टेरिटोरियल है ना हमारा जो क्षेत्र है उसके बारे में, क्षेत्रीय बारे में। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, आपका जो राजनीतिक व्यवहार है उसके लिए आप पूरी तरीके से फ्री हैं, आप पे कोई दबाव नहीं बना सकता। नॉन इंटरफेरेंस, कोई भी आंतरिक मामलों में कोई दूसरा देश उन दूसरे देश के जो बारे में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, मतलब आपका अंदर इनर मैटर क्या चल रहा है उससे किसी देश को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, उस देश का जो इम्पैक्ट है वो दूसरे देश पे गलत नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक फ्रेमवर्क था, नॉर्मल फ्रेमवर्क था जिस पे ये इन लोगों ने फर्स्ट टाइम साइन किया था चार्टर पर। शार्क कंप्राइजेज 8 मेंबर्स, मैंने आपको बताया 8 कंट्रीज हो गई हैं, 7 पहले थी फॉर्मेशन के टाइम पे, फाउंडेशन के टाइम पे, और 8वीं कंट्री अफगानिस्तान इसमें 13 समिट में आके मिल गई थी 2005 में। ऑब्जेक्टिव, दक्षिण एशियाई देश आपस में सहयोग बनाए रहें, देश शांति से प्रगति से आगे बढ़ता रहे, अग्रसर होता रहे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है शार्क के, प्रमोट द वेलफेयर, एक दूसरे को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक रूप से बढ़ते जाना। कॉन्ट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, लाइक एक देश आप पे भरोसा कर रहे हैं, एक देश को कुछ आपसे इशू है तो बाकी देश समझाएंगे बुझाएंगे कि नहीं देखो आपको गलत फहमी हो रही है, वो देश ऐसा नहीं है। जैसे अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कभी बहुत सारी टकरार धीरे धीरे चलती रहती है, तो इस तरीके से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो बनाए रखती है। उसके बाद आ जाते हैं इनके स्पेशलाइज्ड बॉडीज पे, इन लोगों की कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं जो इन लोगों ने शार्क के अकॉर्डिंग बनाई हैं। जैसे इन्होंने एक बनाया है SDF क्या है, ये एक डेवलपमेंट फंड है, लाइक आप भी दो हम भी दें, सारे देश जो मेंबर्स हैं वो देंगे, क्यों देंगे अब आपको बता दो। जैसे मान लीजिए ये देश है इंडिया, इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो बांग्लादेश से भी लग रही है, भूटान से भी लग रही है,
बांग्लादेश से भी लग रही है और अफगानिस्तान से भी लग रही है, पाकिस्तान से भी लग रही है। तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं जो हमें बॉर्डर्स पे चाहिए होते हैं या सिक्योरिटी पर्पस हमें बॉर्डर्स पे चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से ये फंड इकट्ठा करेंगे और उससे जिस देश को भी ज़रूरत है डेवलपमेंट की उसमें उसको हेल्प करेंगे। SAU साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इस तरीके से एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई जिसमें कि जो इन कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक यूनिवर्सिटी का भी डेवलपमेंट किया गया। नेक्स्ट है SARSO, SARSO साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिससे कि आप किसी चीज़ को का जो स्टैंडर्ड है ना, जो एक लेवल है वो मेंटेन कर सकें। इसका सेक्रेटरीट ढाका बांग्लादेश में है। शार्क की इम्पोर्टेंट, शार्क कंप्राइजेज, अब ये जो कंट्रीज हैं शार्क, इसने पूरे वर्ल्ड लेवल पर 3.3, अभी ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये जो परसेंटेज है ना ये 2019 के स्टार्टिंग के हैं, तो 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया का कंप्राइज किया है इनकी जो कंट्रीज हैं इन्होंने एज अ लैंड। 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है और 3.8 ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से ये किसी एक कंट्री का नहीं है, ये पूरे शार्क ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको बताया। चलिए अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इन्होंने जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है 85 से लेके और अभी 2020 चल रहा है, तो 20 की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमारी समिट जो है वो 18 ही हुई है, 19 समिट नहीं हो पाई थी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो लगभग 2018 तक आप मान लें कि तब तक की अचीवमेंट्स कौन सी रही हैं शार्क की। FTA क्या है, फ्री ट्रेड एरिया। इन्होंने एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, सबसे ज़्यादा बिजनेस या जो ट्रेड है वही एक देश को आगे बढ़ाता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कह सकते हैं। तो FTA फ्री ट्रेड एरिया दिया इन लोगों ने जिससे कि जो ये शार्क ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं इनका ट्रेड आपस में सुचारू रूप से चलता रहे। नेक्स्ट इन्होंने बनाया, अचीवमेंट किया कह सकते हैं, SEPTA SAPTA साउथ एशिया प्रीफ्रेंगेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें कुछ ट्रेडिंग जो चीज़ें ज़्यादा एक दूसरे के हैं यूज़ होती, मान लीजिए बांग्लादेश में कोई चीज़ है जूट हो गया सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो वो इंडिया को देंगे, इंडिया के पास राइस बहुत ज़्यादा होता है, धान बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उनको वहाँ पे देंगे। इस तरीके का एक एग्रीमेंट इन लोगों ने तैयार किया था। नेक्स्ट है SAFTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जिससे हम किसी भी तरीके का जो ट्रेड है वो अग्रीमेंट इजीली कर सकते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। SATIS शार्क अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जो ट्रेड में सर्विसेज लगती हैं जैसे सामान उठाना रखना, लोडिंग अनलोडिंग शिप्स है ना, ट्रक्स, इस तरीके के अग्रीमेंट जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर भी अग्रीमेंट्स किए गए। तो ये इनके अचीवमेंट हैं जो इन लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर करी और आज भी ये चीज़ें अच्छी चल रही हैं। चलिए अब बात करते हैं शार्क की समिट्स की, जो अभी तक हर साल, देखिए मीटिंग बहुत ज़रूरी है, तो इसकी जो समिट्स हैं मीटिंग्स हैं वो अभी तक 18 मीटिंग्स हो चुकी हैं। जो 18th लास्ट मीटिंग थी वो पांडू नेपाल में, तो 18 समिट जो इसकी लास्ट समिट थी वो 18 समिट था, सम्मेलन था, जो काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। और नई डेट दी गई थी 19th समिट की, 19th मीटिंग की, जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में होनी थी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया छोटा सा कि जब 18 समिट हुई उसकी नेक्स्ट डेट डाउन हो गई कि अब ये जो है नेक्स्ट जो 19 समिट है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगी 2016 में। सेट हो गया टाइम डेट, सब सेट हो गया, होनी थी वो वहाँ पे नवंबर में। उसके पहले ही जो पाकिस्तान है उसने उरी अटैक, आप सब वाकिफ हैं उरी अटैक से, उरी अटैक सितंबर में इंडिया पे कर दिया। और इस बात से नाराज होकर जो हमारे मोदी जी हैं इन्होंने बोला कि मैं शार्क ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाला है 19 समिट, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमने क्यों बनाई है, सहयोग के लिए, प्रगति के लिए, शांति के लिए, जिसमें कि जो पाकिस्तान है उसने इस के जो रूल है उसको तोड़ा है, और इस चीज़ को देखते हुए मैं इनके जो समिट है उसमें नहीं जाऊंगा, मैं उसको बायकॉट करता हूं। और उनका सपोर्ट करते हुए कुछ अन्य देश जैसे भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी
इस समिट में जाने से उन्होंने मना कर दिया और इस तरीके से जो पाकिस्तान में 19 समिट होने वाली थी वो कैंसिल कर दी गई। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट समिट 20 होने वाली थी वो भी अब ये कोरोना या बाकी चीज़ों की वजह से अभी उसका जो डिले है वो जो डेट है वो डिले होती जा रही है। तो अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 18 समिट कहाँ हुई थी, काठमांडू नेपाल में हुई थी। 19 समिट कहाँ के लिए ऑर्गेनाइज की जाने वाली थी, इस्लामाबाद के लिए, पाकिस्तान के लिए की जाने वाली थी। और 20 जो समिट है साक सम्मेलन, उसकी अभी डेट इशू नहीं की गई है। किस अटैक की वजह से इंडिया ने बायकॉट किया था 19 समिट में जाने से, उरी जो अटैक हुआ था इंडिया पे सितंबर में उसकी वजह से। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम इसकी फर्स्ट समिट की फिर से बात करते हैं। इसका फर्स्ट समिट कहाँ किया गया था, ढाका बांग्लादेश में 7 या 8 दिसंबर 1985 के दिन में। और लास्ट समिट जो पाकिस्तान में होने वाली थी 4 नवंबर 2016 को, जिसको कि इंडिया ने बायकॉट कर दिया था। और 20th समिट कार्ड की जो डेट है वो अभी तक नहीं आई है। इंडिया में अभी तक इसके कितने सम्मेलन हुए हैं, इंडिया में अभी तक शार्क शिखर सम्मेलन के 2 सम्मेलन हुए हैं। एक हुआ था 21 मई 1995 को न्यू दिल्ली में, दोनों ही लगभग ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जितने भी समिट के जो मीटिंग्स होती हैं वो लगभग हर देश के कैपिटल में ही होती हैं। तो ये दोनों ही हमारे देश में भी जो हुई ये दोनों ही न्यू दिल्ली में हुई थी। और एक हुई थी 21 मई को 1995 में, लगभग ये ऑर्गेनाइजेशन बनने के 10 साल बाद। और दूसरी हुई थी 13 अप्रैल 2007 में। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमने इनके बारे में बात कर ली। बात करते हैं कुछ सूचकांक के बारे में। जैसे इसमें लेवल भी तो सेट करते हैं ना ये लोग, कि आप किस लेवल पे हो, आपका देश किस लेवल पे है, कौन ज़्यादा गरीब है, किस में क्या चीज़ें रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किस में मैन पावर ज़्यादा है, इस तरीके से ये एक दूसरे को जज भी करते हैं। तो शार्क कंट्रीज में जो श्रीलंका है वो बेस्ट रैंकर है, किस लिए है, मानव विकास सूचकांक में। मतलब सबसे ज़्यादा जो हायर स्टैंडर्ड लिविंग है ना, डेवलपमेंट है, वो कौन सी कंट्रीज के लोगों का सबसे ज़्यादा है, श्रीलंका का है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जरूर इन ऑर्गेनाइजेशंस में से कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो ये मानव विकास सूचकांक में सबसे बेस्ट रैंकर कौन है, श्रीलंका। शार्क समिट में प्रतिवर्ष कोई ना कोई थीम जरूर रखी जाती है। ये शार्क ऐसा नहीं है कि बस गए और मिल लिया और मीटिंग हो गई, नहीं ऐसा नहीं करते, हर साल एक थीम बनाते हैं। हर 18वें लगभग 18 आप मान सकते हो 12 मंथ से 18 मंथ के बीच में इन ऑर्गेनाइजेशन का समिट्स होती हैं। तो वो हर बार उनमें एक थीम रखी जाती है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो पूछी जाती हैं उनके बारे में आपको बताऊं, 1990 में गर्ल्स के लिए रखी गई थी, 1992 में एनवायरनमेंट पर्यावरण से संबंधित रखी गई थी, 2008 में सुशासन के लिए रखी गई थी, जो लॉ है वो कैसे अच्छा चल सकता है उसकी वजह से, 2016-17 में सांस्कृतिक विरासत का वर्ष माना गया था, जो कि ये पाकिस्तान में जो मैंने आपको बताया जो हो रही थी उसके बाद से। और उस सांस्कृतिक मतलब हम अपने कल्चर को, जैसे हम वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं और हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, तो कैसे हम अपने दक्षिण एशियाई कल्चर को बढ़ा सकते हैं, संभाल सकते हैं, इस थीम के ऊपर शार्क समिट थी। शार्क सम्मेलन प्रत्येक 18 महीने के बाद होता है। म्यांमार और चाइना इसके सदस्य नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्क एसोसिएशन में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन थी शार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आई होप आपको समझ आई होगी। और इसको बहुत ध्यान से बार बार सुने, मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें, स्पेशली इनके जो एस्टेब्लिशमेंट है और इनके जो मेंबर्स देश हैं। चलिए होप करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।